हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाला है कि न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कैसे करें 2023 में, 2023 में न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई। तो गाइस, आप लोग इस चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो चैनल में बार बार लेके आती है। तो गाइस, एक्चुअली मेरा लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मेरा लैंग्वेज है आसामीस, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। तो प्लीज़ गाइस, इस चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो गाइस, वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा क्या, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ पे टाइप करना होगा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP। जैसे ही आप NVSP लिख के सर्च करेंगे तो उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। तो गाइस, यहाँ अच्छे से देखिए और एक लिंक शो करेगा, जैसे कि आसाम, बिहार, गोवा, उत्तराखंड, इस सब का अप्लाई करने के लिए उस लिंक में क्लिक करना होगा। लिंक में क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर देखिए कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग लॉगिन में प्रेस करने के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद ऐसा पॉपअप खुलेगा, तो यह देखिए फॉर्म्स और एप्लीकेशन ट्रैक। तो फॉर्म में एंट्री करना होगा, उसके बाद फॉर्म 6 न्यू रजिस्ट्रेशन वोटर इलेक्टर, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐसा पॉपअप खुल के आएगा। यहाँ स्टेट आसाम और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, तो मैं जी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया। अभी LSE सिलेक्ट करना होगा, तो LSE सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर प्रेस करना होगा। जैसे कि नेक्स्ट पर क्लिक किया, बी नंबर में पर्सनल डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड कस्टमर का फ़ोटो। तो मैं फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया। अभी सोर्स फ़ोटो में क्लिक करना होगा, तो सोर्स फ़ोटो में क्लिक करने के बाद जिस भी फाइल में फ़ोटो है फ़ोटो लेकर वहाँ अपलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद मैं फ़ोटो को ले लेता हूँ, फ़ोटो को ले लिया, तो फ़ोटो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपको फ़ोटो को सिलेक्ट करना है, कितने साइज़ में आप फ़ोटो रखने के लिए। तो उसके बाद फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद सेव के प्रेस कीजिए। सेव पे प्रेस करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, रिलेटिव के फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, जिसका भी नाम आप डालना चाहती है वह नाम डाल दीजिए। आपका नाम डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, तो नीचे ऑटोमेटिकली आपका मातृभाषा का नाम शुरू करेगा, और सी नंबर पे है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो जिसका भी अप्लाई कर रहा है उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। मैं थोड़ा हाइड करके रखा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल डिटेल्स है ये। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आधार नंबर, तो जिसका अप्लाई कर रहा है उसका आधार नंबर एंट्री कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद है जेंडर, फेल मेल, मेल फीमेल, सॉरी गाइस। फिर उसके बाद है DOB, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप वही डालेगी जो कि डॉक्यूमेंट में है, जैसे कि आप पैन कार्ड दे सकती है, आधार कार्ड दे सकती है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकती है। तो वहाँ डेट ऑफ बर्थ जो आप डालेगी उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, जैसे मैं दे रहा हूँ। उसके बाद कस्टमर का पैन कार्ड अपलोड करूँगा, तो आप लोग भी वो डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है वही डालना, क्योंकि नहीं तो रिजेक्ट मत देगा। तो उसके बाद मैं कस्टमर का पैन कार्ड सिलेक्ट करता हूँ। पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड भी करता हूँ। तो सोर्स फाइल में जाएंगे आप, उसके बाद फोल्डर खोल के आएगा, फोल्डर से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर देना, ऑटोमेटिक ही वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना।
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आएगा एड्रेस, फुल एड्रेस, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रेट, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, सारे कुछ डालना है। और नीचे नीचे मातृभाषा में भी आएगा, हिंदी, असमीस, असमिया, सब भाषा में आ जाएगा। तो मैं डाल लेता हूँ पिन कोड वगैरह सब। नीचे डिस्ट्रिक्ट डालना है और स्टेट ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होकर रहेगा। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट आपको वही देना है जिस जो एड्रेस आपने डाला, वही एड्रेस जिस डॉक्यूमेंट में है, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक। तो मेरे पास बैंक पासबुक है, बैंक पासबुक अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रेस कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद है डिसेबिलिटी, कस्टमर किसी भी डिसेबिलिटी हो तो एंटर कर देना। फिर उसके बाद है कस्टमर का फैमिली मेंबर कोई भी वोटर है तो उसका नाम, उसका रिलेटिव और उसका वोटर आईडी कार्ड नंबर, अगर नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं आप। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो इस मेरा कस्टमर का है तो मैं डाल रहा हूँ नाम। नाम डालने के बाद रिलेशन क्या है उसका, रिलेशन डाल रहा हूँ, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, जो भी है मैं डाल दिया। तो उसका वोटर आईडी कार्ड भी मैं इंटर कर रहा हूँ। वोटर आईडी कार्ड इंटर करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आएगा डिक्लारेशन। गाइस डिक्लारेशन में क्या है, तो विलेज का नाम डालना होगा डिक्लारेशन में। डिक्लारेशन में विलेज का नाम और स्टेट का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। तो उसके बाद नीचे करेंट डेट, मतलब जिस दिन में आप अप्लाई कर रहे हैं उस मंथ और ईयर का ऑटोमेटिक ही ले लेगा। तो उसके बाद है प्लेस, जिस जगह से आप अप्लाई कर रहा है उस प्लेस का नाम डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो नीचे आएगा कैप्चर, तो जैसा कि इमेज देख रहा है आप ऐसा ऐसा ही डाल दीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो रिफ्रेश के बॉटम है साइट में, तो रिफ्रेश कर दीजिए तो आएगा। तो उसके बाद कैप्चर डालने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए। मैं डाल रहा हूँ। तो प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल्स आएगा जो आपने फिलअप किया अभी अभी। अगर थोड़ा सा गलती है तो नीचे एडिट का ऑप्शन भी है, तो आप वहाँ से एडिट भी कर सकती है। अगर सही सही है तो सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने एक रेफरेंस नंबर खोल के आएगा, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ऐसा इसको आप प्रिंट कर ले क्योंकि इसका स्टेटस जान सकती है आप। थैंक यू।